जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने नगर पालिका इटावा के वार्ड नंबर 32 वेरन टोला से अनेश लाला प्रबल दावेदार सभासद प्रत्याशी से की खास मुलाकात। लाला जी ने कहा कि यदि वार्ड वासियों ने अवसर दिया तो जल निकासी की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, खेल का मैदान, जो भी विकास कार्य होंगे वार्ड के अंतिम पात्र व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। साथ ही नववर्ष के समस्त वार्ड वासियों और नगर वासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन अवनीश की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे जे न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं नगर पालिका इटावा में आए हुए आज हमारे बीच उपस्थित है अनीश लाला जी, एचआर वाले, जो वार्ड नंबर 32 बैरन टोला से सभासद पद हेतु कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। लाला जी, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, सर्वप्रथम तो जो वार्ड नंबर 32 से जो सभासद पद हेतु आप प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं, सर आपसे हम जानने का प्रयास ये जानना चाह रहे हैं सर, आपने क्यों सभासद पद हेतु दावेदारी पेश की? 18 साल में जो मैंने अपने ग्राहकों का प्यार प्राप्त किया है जी, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मैं सभासद चुनाव जीत सकता हूँ जी, लड़के मुझे पूरा भरोसा है जी। लड़ाई जी, वार्ड नंबर 32 से जो बाढ़वासी हैं, सारे मतदाता आपको मतदान करते हैं, तो आपने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं देखी हैं जो जो आप यहाँ से सभासद बन जाते हैं, जो आपको सॉल्व करने को यदि मौका मिलता है तो कौन कौन सी समस्याओं को आपकी प्रथम प्राथमिकता हो जाती है? सबसे पहले पोस्टिंग आना, दक्षिण में एक लट्टा है बिजली का जो जर्जर हो चुका है, गिर के मकान के ऊपर काफी नुकसान पहुंचा सकता है, उसको सबसे पहले मैंने जेई को फोन करके उसके सही करने की कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी लगा दी है, तो जल्द उन्होंने भरोसा दिलाया हमें कि आपका ये जो बाढ़ में लट्टा है जल्द से जल्द सही किया जाएगा। इसके अलावा लाला जी, आपने देखा होगा कि जो सभासद के एक कार्य क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में आता है, आपने देखा होगा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है जो आपने देखा हो कि बाढ़ के अंतिम पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो पेंशन हो, अभी आपने देखा हो फ्री ऑफ कॉस्ट जो राशन प्रणाली चल रही है कोविड के समय से, तो आपके बाढ़ में भी ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास आवास के पात्र होने के बाद भी आवास उपलब्ध ना होना, राशन कार्ड ना होना, ऐसे या गली घर इस टाइप की कोई आपके बाढ़ में समस्या है या नहीं? इस तरह के काफी लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए जिससे मुझे राशन उपलब्ध होने लगे, तो मैंने भरोसा दिलाया कि मैं जीतूं या न जीतूं फिर भी तुम्हारा राशन कार्ड बना दिया जाए, पूरा प्रयास करेंगे हम कि आपका राशन कार्ड बने, और जो लोग जिन लोगों के पास 2.5 लाख वाला मकान जो बनने का था वो भी वो जो लोग रह गए हैं उनको भी दिलाने की पूरी कोशिश करें। बहुत आराम जी, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे सर, जो भी आप जिक्र कर रहे थे कोविड के समय में आपने अपने बाढ़ में, आप तो ये कह रहे थे कि 18 वर्ष से आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कोविड की जो फर्स्ट एड सीखें, जो कोविड की महामारी के समय आपने किन किन माध्यमों से किस प्रकार लोगों को बचाव किया था? देखिए, हमारे जो करने का होता है जैसे कि कोई गरीब आदमी आ गया कोविड-19 समय, उनको मैंने पर्याप्त राशन इतना दे दिया कि वो मैं घर जाकर खा ले अपने बच्चों को जी। इस तरह से काफ़ी दिन तक चलता रहा इस तरह का लॉकडाउन, जो हमसे बना जुड़ा सब्जी साग आटा राशन दाल तेल जो जैसा शख्स आया उसको वैसा ही उसका निदान कर दिया जी। लाला जी, जैसा कि आपको अवगत होगा कि अभी मकर संक्रांति और हाल ही में तो कुछ ही दिनों में 1-2-3 दिन बाद आपने देखा होगा न्यू ईयर आ रही है, हमारे चैनल के माध्यम से बाढ़वासियों को नगर पालिका वासियों को नव वर्ष की आप किस प्रकार हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नगर वासियों को और वार्ड नंबर 32 के सभी वासियों को मैं नव वर्ष की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और मैंने अपने बोर्ड में भी लिख रखा है तहे दिल से नव वर्ष की मुबारकबाद। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे अनीश लाला जी, एचआर वाले, वार्ड नंबर 32 से सभासद पद हेतु प्रबल दावेदार है। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 18 वर्ष से ही लोगों के बाढ़ के बीच में रहकर लोगों के बीच में मत रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, इन्हीं के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जब उनसे जब ये पूछा कि क्यों आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो लाला जी का कहना यह है कि जब किसी पद पर आ जाएंगे तो लोगों की जो भी मूलभूत समस्याएं होती है उन्हें उनका समाधान करने के लिए कार्यरत रहेंगे और प्रथम प्राथमिकता रहेगी, चाहे वो
आवास हो, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का भी जिक्र किया है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे गली हो, स्ट्रीट लाइट की भी बात कर रहे थे। और साथ ही साथ और वार्ड नंबर 32 बैरन टोला के सभी वार्डवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ मकर संक्रांति और नगर पालिका वासियों को भी दी। देखते रहिए न्यूज 24/7। धन्यवाद।